गुड मॉर्निंग गाइस, सदर बाजार के हमारे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सस्ती चीजों के लिए फेमस है ये मार्केट। दिल्ली एनसीआर के या दिल्ली के जो आसपास के लोग हैं वो सदर बाजार से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सदर बाजार अगर आपको आना है तो वैसे तो मार्केट पूरा वीक ओपन रहती है, बट संडे वाले दिन स्पेशल पटरी मार्केट लगती है जिस दिन शॉप्स ऑलमोस्ट बंद रहती है। अगर आपको पटरी मार्केट से शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पे संडे वाले दिन आओ। सुबह 7:30 बजे मार्केट लगना शुरू हो जाती है, शाम को 6:30-6 बजे तक लगती है। यहाँ पे पहुँचना भी बहुत इजी है। जो मेट्रो स्टेशन है वो 30,000 ही मेट्रो स्टेशन आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, जहाँ से उतर के 10 रुपए की रिक्शा लेके आप यहाँ तक पहुँच सकती हो। ब्राइडल लहंगे तक आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वो भी 3,500-4,000 रुपए की रेंज में। जिन लोगों का कम बजट है उनको मैं बता दूं कि उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे लहंगे हैं। लहंगों की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 1,500-2,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, अप टू इनके पास 5,000 तक के लहंगे होते हैं। बट जो क्वालिटी होती है ना वो काफ़ी सही होती है। जिन लोगों को कम बजट में चीज़ें चाहिए होती है ना उनके लिए ये मार्केट परफेक्ट है। अभी शादियों का सीज़न है तो सबके घर में किसी न किसी रिलेटिव के घर में हल्दी मेहंदी का भी फंक्शन होता है शादी के टाइम पे, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टिचिंग का शौक है तो आपको जो थ्रेड होते हैं धागे होते हैं वो आपको यहाँ पे बहुत सही मिल जाते हैं। 20 रुपए के 6 आपको यहाँ पे मिलेंगे। नॉर्मली देखिए कितने महंगे रहते हैं, 5-6 रुपए की एक धागों की रील आती है। मशीन से रिलेटेड इनके पास सारी चीज़ें थी, अलग अलग तरीके की मिरर्स थी, सुइयां थी, और जो तुरपाई करने वाली होती है वो आपको सुइयां मिल जाएंगी। साथ ही में ऊन बुनने वाली जो सुइयां होती है ना वो भी इनके पास थी। अब शादियों का सीज़न है तो ऑब्वियस सी बात है ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप बॉक्स या वैनिटी बॉक्स सबको चाहिए होता है। तो ये वाला वैनिटी बॉक्स जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ थोड़े प्रीमियम थे, 1,000 रुपीज़ की रेंज में थे, बट इसकी स्टोरेज काफ़ी बढ़िया थी। अगर आपको बैंगल्स रखने के लिए बॉक्स चाहिए तो 150 रुपीज़ की रेंज में आपको बॉक्स मिल जाएंगे। ज्वेलरी बॉक्स भी था इनके पास, बैंगल बॉक्स भी थे, बैंगल बॉक्स में लेयर्स भी थी। अभी देखो ये वाला बॉक्स देखिए काफ़ी सही है ये, और इसमें आपका चूड़ा आ सकता है। अगर आपको ऐसे ही मल्टी में चाहिए है जिसमें मल्टी हैंगर्स हो वो आपको 250 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे, जैसे ये वाले हैं। दिखने में भी बहुत सुंदर है, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है आप गिफ्ट भी कर सकते हो। सामने वाला देखो जो ट्रांसपेरेंट में था, एक ये वाला था, इस बॉक्स के अंदर एक छोटा पीस भी आता है, ये 150 रुपीज़ का है। नीचे वाला वैनिटी बॉक्स भी 250 रुपीज़ का है। तो आप इस तरीके से ज्वेलरी और वैनिटी बॉक्स मार्केट से ले सकते हो। अगर किसी को बल्क में शॉपिंग करनी है तो वो स्पेशली शॉप पे जाएं जहाँ पे उनके लिए बहुत वैरायटी है। 500 रुपीज़ की रेंज में बहुत अच्छे चूड़े मिल जाते हैं। जो सामने मैंने आपको चूड़े दिखाए ना वो 500 रुपए की रेंज में थे, और ये सब आपको 200 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हैवी से लेके नॉर्मल रेंज दोनों रहती हैं और काफ़ी अच्छी रेंज रहती है। ये सामने वाले रजवाड़ी चूड़े थे, मेरे को काफ़ी पसंद आए। अगर आपको भी ऐसे रजवाड़ी लुक में कुछ चाहिए है तो मार्केट में बहुत सारी शॉप ऐसी हैं जिन पे आपको इस तरीके के आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। सिंपल जो चूड़े रहते हैं ना, जैसे ये वाले हैं, ये आपको ना 2 रोल 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे। आप दोनों हाथों के लिए एक एक रोल ले सकते हो। अब देखो बहुत सारे लोगों को प्लेन सूट को डेकोरेट करके पहनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और जिनमें टैलेंट होता है वो लोग क्या करते हैं, प्लेन कपड़ा लेते हैं, उन पे लेसेस लगा के गले लगा के उनको हैवी लुक दे देते हैं। तो स्टिचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी 10-10, 20-20 रुपए में। बटन मिलना शुरू हो जाते हैं, ये वाला जो रोल था ये 50 रुपीज़ का था। लेसेस में भी बहुत वैरायटी थी इनके पास, 100 रुपीज़ के 5 रोल, पीछे वाले जो रोल दिख रहे हैं ना वो थे। ये गला आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा, बहुत वैरायटी थी इनके पास गलों में भी, धागों में भी, रेशमी धागे चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको ग्लास चाहिए, ग्लास वेयर मतलब कांच में अगर आपको कुछ भी चाहिए है वो भी मार्केट में रहता है। ये कप का सेट 250 रुपीज़ का था, ये सब मैं आपको 250 रुपीज़ का आइटम दिखा रही हूँ, थोड़ा सा प्रीमियम था। और जो सामने वाले हैं, कोई विस्की ग्लास था, कोई शैम्पियन ग्लास थे, बियर ग्लास थे, आइसक्रीम बाउल्स थे, और देखिए ये सब 250 रुपीज़ की रेंज के आइटम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और कई बार क्या होता है ना, ग्लास वगैरह में भी बहुत वैरायटी रहती है तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, 300-350 की भी चीज़ें रहती। बट कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेन ग्लास, नॉर्मल ग्लास, विस्की ग्लास,
शैंपेन ग्लास या फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए, आइसक्रीम सर्व करने के लिए, बियर ग्लास, जो ये पीछे वाले आप देख रहे हो ना, ये आपको 120 रुपीज़ का सिंगल मिलेगा और ये बियर ग्लास का 2 का सेट है। आप इस तरीके से यहाँ से ग्लास वेयर में ले सकते हो। कैसरोल देखो, व्हाइट वाला कैसरोल कितना बढ़िया लग रहा है। और ये विस्की ग्लास भी बहुत अच्छे थे, इनका भी वही 300 रुपीज़ के ग्लास थे, थोड़े हैवी ग्लास थे और काफ़ी अच्छे थे। तो अगर आपको ग्लास वेयर में कुछ भी आइटम चाहिए वो भी आपको इधर मिल जाएगा। साथ ही में प्लेट्स वगैरह थी, कैसरोल थे इनके पास, और ये सब रोड साइड पे ही है। अब बात करते हैं शॉप्स पे कैसे आर्टिकल रहते हैं। शॉप्स पे लोग क्यों शॉपिंग करना नॉर्मली अवॉइड करते हैं? जिन लोगों को सिंगल सिंगल पीस चाहिए होते हैं वो पटरी मार्केट से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शॉप वाले ना बल्क में चीज़ें देते हैं। अभी जो ये कड़े हैं ये सब आपको ना 150 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगे। इनमें अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं। और जो थोड़े हैवी वाले कड़े हैं वो 200 रुपये की रेंज में थे। इनके पास रिंग थे, रिंग भी अलग अलग तरीके की थी, जैसे 250 रुपये के आपको स्टड्स मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे 250 में, बहुत सारे ऑप्शंस थे 100 रुपीज में। तो इस तरीके से आप 100-150 में अमेरिकन डायमंड वाली चीज़ें ले सकते हो। ये नेक पीस था 1500 रुपीज़ का, जिसमें स्टड आएंगे, नेक पीस आएगा। 100 रुपीज़ में आपको गोल्डन पॉलिश वाले जो इयररिंग्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, साथ ही में कड़े आपको मिलेंगे। 100 रुपीज़ की रेंज में थे ये वाले कड़े। और जो अभी मैंने हाथ में उठा रखा है ये 150 रुपीज़ के थे। पीछे की तरफ आप देखोगे ना, कॉकटेल रिंग वगैरह भी इनके पास लगी हुई है। बैंगल्स में बहुत वैरायटियाँ हैं, कड़ों में बहुत वैरायटियाँ हैं, वो भी 100-150-200 रुपये की रेंज में। 2-4 से लेके 2-8 तक के इनके पास नॉर्मली आपको साइज देखने को मिलेंगे। किचन में अगर आपको यूज़ करने के लिए कुछ भी चाहिए, चाहे वो मग हो, वेजिटेबल कटर हो, फ्रूट कटर हो, सब मिलेगा। ये वाला जो वेजिटेबल कटर था ये आपको 200 रुपीज़ में मिलेगा। साइड वाला भी आपको 250 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी, ब्लेंडर्स वगैरह थे यहाँ पे 350-300 रुपये में। आपको चॉपर मिल जाएंगे सेंसो कंपनी के। अगर आपको दालचीनी स्टोरेज के लिए ये सब आइटम्स चाहिए है ना, तो ये 200-300 रुपये की रेंज में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आपको ना एप्पल कटर मिलेगा, आपको क्या करना है, रखना, प्रेस करना है। ये 80 रुपीज़ का था। साथ ही में अलग अलग तरीके के इनके पास सॉल्ट पेपर के जो सेट होते हैं वो थे 100 रुपीज़ की रेंज में। नाइफ सेट था पूरा का पूरा 150 रुपीज़ की रेंज में। मसाला रखने के लिए तो बहुत वैरायटी थी इनके पास, अलग अलग तरीके के फैंसी आइटम थे, मग थे, चॉपर्स थे, चॉपर्स में भी बहुत वैरायटी थी, इंसुलेटेड मग्स थे। 350 रुपीज़ की रेंज में आपको ड्राई फ्रूट कंटेनर्स मिलेंगे, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, 350 रुपीज़ की रेंज में है। इनके पास कैसरोल भी था 400 रुपीज़ की रेंज में। ये सामने वाला जो आप देख रहे हो ड्राई फ्रूट सेट, ये आपको 200 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। तो बहुत वैरायटी ऐसी लगी मेरे को जो हर किसी के घर में यूज़ होती है, और जिनका प्राइस एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। अगर आपको टिफिन्स में चाहिए 3 का सेट, 2 का सेट, वो भी आपको मिल जाएगा। मॉप भी था 150 रुपीज़ की रेंज में, मॉप था। किसी का स्टैंडिंग पोचा, मतलब स्टैंडिंग मॉप ख़राब हो गया है, तो वो आप यहाँ से मॉप भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छी वैरायटी में यहाँ पे चीज़ें थी, क्लीनिंग आइटम्स थे, प्लास्टिक वाले जो प्लकर्स होते हैं कपड़े सुखाने वाले, वो भी यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे। क्लीनिंग से रिलेटेड वॉशरूम क्लीनिंग हो गया, कपड़े सुखाने के लिए आपको पूरा रोल चाहिए, वो भी यहाँ पे था। लोफा अगर आपको चाहिए तो लोफा भी था। स्पोर्च बार्स भी थे 30-40 रुपीज़ में। प्लास्टिक वाली जो ब्रश थी वो 50 रुपीज़ की रेंज में थी। ये वाली आपको ना जो वायर है ये वाली आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, और इसमें 20 मीटर वायर थी। इसी तरीके से आपको अगर होल्डर्स चाहिए है ना कपड़े सुखाने के लिए, क्लिप होल्डर 150 रुपीज़ में आपको क्लिप होल्डर मिल जाएंगे। 50, 150, 30, 40 इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये सब मेन रोड पे ही है, संडे वाले दिन आप इजीली जाके यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। वैरायटी इतनी अच्छी थी ना, आप देखो ये ना स्क्रॉच बार है, आप इससे टाइलें रगड़ सकते हो, अपनी ज़मीन साफ कर सकते हो, साथ ही में शेड्स वगैरह सन ग्लासेस मिल जाते हैं। वैरायटी इतनी ज़्यादा थी, 200-240 रुपये दर्जन आपको यहाँ पे सन ग्लासेस मिलेंगे। सिंगल की बात करूँ तो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसे इनके प्राइस थे। सुनने में जितने सस्ते हैं देखने में उतने सही थे,
प्राइस को अगर आप कंपेयर करोगे क्वालिटी से, तो आपको बहुत सही क्वालिटी मिल जाएगी। 100 रुपीज में तो बहुत वैरायटी थी, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी शेड्स में। छोटे बच्चों के लिए भी शेड्स थी, बड़ों के लिए भी शेड्स थी, तो आपको ना इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ी और चीज़ें एक्सप्लोर करी जाए, तो मेरी नज़र इन वाले टिफिन्स पर पड़ी। आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज में, ये वाले टिफिन 350 रुपीज़ इनका प्राइस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। टेम्परेचर बॉटल आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, उससे पीछे वाली जितनी भी बॉटल्स है 200-300 रुपये की रेंज में थी। और ये इंसुलेटेड बॉटल्स थी, ब्लू वाली आपको 300 रुपीज़ की मिलेगी, ये वाले चॉपर बड़े वाले 350 रुपीज़ के चॉपर मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको ड्राई फ्रूट सेट चाहिए, जैसे ये ग्रीन वाला, ये आपको 200 रुपीज़ की रेंज में मिलेगा, उससे पीछे वाला भी 200 रुपीज़ की रेंज में था। टिफिन वगैरह आगे वाले 300 रुपीज़ की रेंज में थे। पीछे देखो कितनी क्यूट बॉटल्स है, सारी की सारी बॉटल्स इंपोर्टेड है। ये वाली आपको 120 रुपीज़ की मिलेगी, प्लास्टिक बॉटल थी, मतलब पैट बॉटल्स थी, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो आप अपने घर के लिए, किचन के लिए बहुत सही चीज़ें ले सकते हो, काफ़ी अच्छी वैरायटी में यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको टॉयज़ वगैरह भी खरीदने हैं, टॉयज़ मिल जाएंगे, स्टडी टेबल्स मिल जाएंगे। अगर आप बैकग्राउंड में भी चीज़ों पे नज़र मारोगे, तो आप देख पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी मिलती हैं जो हर किसी के घर में यूज़ होती है। बैंगल्स की अगर मैं बात करूँ, तो बैंगल्स 75 रुपीज़ का आपको सिंगल पड़ेगा, 150 रुपये के 2 कंटेनर पड़ेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी 2 डिज़ाइन पिक कर सकते हो। अगर आपको सिंगल भी लेना है तो सिंगल भी ले सकते हो, बहुत सारी जगह सिंगल का प्राइस 100 रुपीज़ रहता है। अभी विंटर्स आ जाएंगे तो सॉक्स वगैरह तो चाहिए, 200-200 रुपये में पूरा पैकेट मिल जाता है आपको सॉक्स का, जिसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अगर आपको एंकल सॉक्स चाहिए, 150 का पूरा पैकेट है, ये वाला आपका 200 रुपये का पैकेट है, तो 100-200-250 रुपये में इस तरीके से यहाँ पर सॉक्स मिलती हैं। अभी सर्दियों के लिए सर्दियों की सॉक्स है, गर्मियों में गर्मियों की सॉक्स मिलती हैं, एंकल फुल लेंथ हर तरीके की आपको सॉक्स मिल जाती है 200-200 रुपये में, 250 रुपये में। तो इस तरीके से अगर आप सॉक्स भी लेना चाहते हो, तो आप अपने घर के लिए सॉक्स ले सकते हो, क्योंकि आप 10-12 पेयर भी खरीद लेते हो ना, तो घर में लोग होते हैं कि ये काम में आ जाती है, कोई अपने रिलेटिव्स में दे देता है, कोई अपने मायके जाता है तो अपने घर ले जाता है, एक्स्ट्रा पेयर आ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो सब लोग ऐसे ही किसी ना किसी को दे देते हैं, लेने देने में यूज़ कर लेते हैं, खुद पहनने में यूज़ कर लेते हैं, तो सस्ती चीज़ें हैं। तो अगर आप जाओ तो एक ही बार सारी चीज़ें ले लो, बार बार ना घूमना पड़े, 2-3 सर्दियों का काम एक साथ निकल जाए। हैंकी वैंकी बहुत सही थे, ये वाले जो हैंकी थे ना, आपको 20 रुपीज़ के पड़ेंगे, मतलब सिंगल पीस पड़ेगा, बट अगर आप पैकेट लोगे तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा, सेम पीस आपको 10 रुपये का पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हैंकी में भी बहुत वैरायटी थी, 5 रुपये से हैंकी मिलना शुरू हो जाता है, अप टू इनके पास 30 रुपीज़ का सिंगल पीस था। छोटे वाले अगर आपको वाइपर चाहिए किचन साफ करने के लिए, 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये वाली जो ब्रशेस वगैरह थी, ये भी 30 रुपीज़ में थी। टाइल क्लीनिंग ब्रश आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, डस्टर आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये वाले जो किचन साफ करने के लिए बार्स के स्क्रॉच बार्स होते हैं, वो सब आपको 25 रुपीज़ का पैकेट मिलेगा। और अगर आपको मैनीक्योर पेडीक्योर ब्रश चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। क्लीनिंग आइटम, वॉशरूम क्लीनिंग आइटम आपको सारा मिलेगा, चाहे आपको फिर झाड़ू चाहिए हो, मॉप चाहिए हो, वाइपर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, वॉशरूम क्लीनिंग ब्रश चाहिए हो, हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत सस्ते में रहती है। इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आपको अपने घर के लिए चीज़ें चाहिए, सस्ती चाहिए हैं, तो आप एक बार सदर बाज़ार ज़रूर जाओ, आपको बहुत सही चीज़ें मिलेंगी। अभी देखो ये वाली ब्रश ना, इससे आप नेल्स वगैरह साफ कर सकते हो, और मतलब काफ़ी सही थी, वैसे आप क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ना आप वो शैम्पू भर के और फिर कर सकते हो टाइल साफ करने के लिए, 50 रुपीज़ में ये आपको मिलेगा। साथ ही में अगर आपको अपने घर के लिए कपड़ा चाहिए, क्लीनिंग कपड़ा, तो आपको वो सब मिल जाएंगे 120 रुपये के 12। और ये स्पंज था, स्पंज शीट बोलते हैं, किचन में जब पानी वानी गिर जाता है तो हम स्पंज शीट यूज़ करते हैं, ताकि वो पूरा पानी को सॉक कर ले और हम अच्छे से क्लीन कर पाए। गैस वैस क्लीनिंग के लिए हम लोग इस तरीके के स्पंज शीट यूज़ करते हैं। प्लकर्स आपको चाहिए या क्लिप होल्डर चाहिए, वो भी आपको 60-60 रुपये में मिल जाएगी। इस
उसमें देखो वैरायटी कितनी है, कलर्स बहुत अट्रैक्टिव थे, ईयरबड्स आपको मिल जाएंगी, स्टिक्स आपको मिल जाएंगी, ये सब ना नूडल स्टिक्स थी, किचन से रिलेटेड, जैसे आपको फॉयल पेपर चाहिए फॉयल पेपर मिल जाएंगे, 10-10 रुपए में आपको ईयरबड्स और टूथपिक मिल जाएंगी, बड़े वाली अगर आपको फॉयल चाहिए तो फॉयल का पूरा 20-25 मीटर का रोल था, और आजकल तो आपको पता है बटर पेपर भी यहाँ पे मिलते हैं, या वैसे नॉर्मल जो रैपिंग पेपर आते हैं वो आपको मिल जाएंगे, टिश्यू होल्डर 30 रुपीज में था, तो मेरे को ओवरऑल यहाँ पे ना सारी चीज़ें बहुत सही लगी, सस्ती थी, किचन से रिलेटेड तो बहुत आइटम थे, आप अपने घर के लिए हर एक फैंसी आइटम यहाँ से ले सकते हो। शॉप की अगर मैं बात करूँ तो 60 रुपीज़ में आपको क्लिप, ब्रोशर्स, हेयर क्लिप आपको यहाँ पे मिलेंगी, फैंसी आइटम थे, आपको अमेरिकन डायमंड्स के साथ मिलेंगे क्योंकि ये थोड़े से पार्टी वियर लुक में हेल्प देते हैं, पार्टी वियर चीज़ें थी, गोल्डन सिल्वर कलर इनका था और डिज़ाइन बहुत सारी अवेलेबल थे, तो आप इस तरीके की हेयर क्लिप भी ले सकते हो, ब्रोशर्स ले सकते हो, साड़ी क्लिप यहाँ से ले सकते हो, तो ओवरऑल जो सदर बाज़ार है ना वो अपने सस्ते सामान के लिए फेमस है, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं ना वो मेरे को किचन की मिलती है, क्योंकि यार देखो क्लिप वगैरह हो गया, क्लचर्स हो गए, ये तो एक ही बार में आप इतना सामान खरीद लेते हो कि 4-5 महीने तक यूज़ में आ जाता है, बट जो घर के किचन के लिए क्लीनिंग के लिए आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो रेगुलर यूज़ होती है, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो थोड़े टाइम की होती है, घिस जाती है चीज़ें, टूट जाती है, तो आप वो रेगुलर शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो। कड़े वगैरह यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हो ना ये 20-20 रुपए के हैं, तो ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं, बहुत अच्छी है, आपको जस्ट अपने लिए टाइम निकालना, घर के लिए शॉपिंग करनी है तो आप सदर बाज़ार ज़रूर आएँ। संडे को पटरी मार्केट लगती है, ओवरऑल जैसे क्रॉकरी मार्केट, टॉय मार्केट, ये मंडे टू सैटरडे ओपन रहती है, अगर आपको शॉप के लिए शॉपिंग करना है तो जो सदर बाज़ार मार्केट है ना ये बहुत बड़ी है, आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आपको वीडियो पसंद आई, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।